Let's do question number 27th of exercise 14A, that is height and distance. Question number 27th is, as observed from the top of a lighthouse, lighthouse se observe kiya gaya, jo ki 100 meter above the sea level hai. To jaise jaise keh raha hai, waise waise in banate rehte hain ki maan lijiye ye sea level hai aur lighthouse uske upar hai sea level ke. और वो कह रहा है कि ये 100 मीटर हाई है, 100 मीटर हाई है, राइट? अब आगे क्या कह रहा है? The angle of depression of a ship, angle of depression टॉप से नीचे की तरफ बनता है, तो angle of depression मतलब lighthouse से angle of depression बन रहा है कितना? ship की तरफ, sailing directly towards it, जो कि सेल कर रहा है लाइट हाउस की तरफ, चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. पहले हमने ऑब्जर्व किया, वो कह रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, यहाँ था मान लीजिए शिप, तो हमारा मान लीजिए ये है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन था हमारा 30 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री. अब उसने फिर ऑब्जर्व किया तो शिप जो कि लाइट हाउस की तरफ जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 60 डिग्री बन गया. तो मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा है शिप पी पॉइंट पे, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो बन गया हमारा 60 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री. अब आगे क्या कह रहा है? डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन. शिप ने कितना ट्रैवल किया, वो इधर ट्रैवल कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से ऑब्जर्व करना चालू किया था और यहाँ तक ऑब्जर्व किया है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है. अगर मैं नेमिंग कर दूँ ये ए बी एंड सी, तो हमें इसका मतलब ए पी निकालना है, राइट? अब नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था डिप्रेशन पे, तो ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री का, क्योंकि एंगल्स क्या हैं, ये अल्टरनेट हैं. इसी तरीके से यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, राइट? अब हमें ना तो ए पी पता है ना पी वी पता है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू पी इज एक्स मीटर, एक्स मीटर है ये, हमने मान लीजिए एक्स मीटर है, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय शिप भी लिख सकते हैं, बाय शिप From P to B, from P to B है हमारा y मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा y मीटर है. तो अब हमें पूरा बेस पता चल गया A से B तक, और हमारे दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, एक ए बी सी और एक पी बी सी, राइट? अब हम पहले कौन सा लेंगे, और दूसरी चीज़ हमें डिस्टेंस मेनली कौन सा निकालना है. तो हमें पहले डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस ए पी निकालना है कि ए पी ऑब्जर्व करते टाइम कितना शिप ने ट्रैवल किया. दूसरी बात, अगर हम ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, तो इसमें दो चीज़ हैं जो कि हमें पता नहीं है, तो वो भी ले सकते हैं. आप चाहें तो छोटा भी पहले ले सकते हैं. तो मैंने मान लीजिए बड़ा ट्राइंगल पहले ले लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी. मैं मोस्टली वो ट्राइंगल लेती हूँ जिसमें एक वैल्यू ऑलरेडी पता चल जाती है. ये दिस अपॉन दिस लेना था तो एक ही वैल्यू थी, एक ही वेरिएबल था. अगर हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, इसलिए मैं मोस्टली छोटा ट्राइंगल लेती हूँ. लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़ा ट्राइंगल लेके भी, दो वेरिएबल्स लेके भी सेम आंसर आएगा. देखिए ए बी सी ट्राइंगल लिया, तो अब हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हमारा क्या आया? 10 का ही फॉर्मूला लगेगा, 10 30 डिग्री. क्यों 30 डिग्री? क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री. तो फॉर्मूला हो गया बी सी परपेंडिकुलर है अपॉन ए बी, हमारा बेस है. अब 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3,
और बीसी कितना हुआ हमारा 100 दे रखा है हमें। अब एबी नहीं पता, देखिए एबी कैसे निकलेगा, एबी हमारा किस किस को मिला के बना है, एपी प्लस पीबी, ये देखिए एपी प्लस पीबी को मिला के एबी बनेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आ गया एक्स प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 100√3 आ गई, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल हमें पता है पी बी सी है, तो इन ट्राइंगल पी बी सी अगेन हमें परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो हम 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 60 डिग्री आ गया हमारा, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है हमारा पी बी, तो 10 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है। अब परपेंडिकुलर हमारा 100 और बेस हमारा वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3y कितना आ गया, 100, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 100√3, राइट। अब इस वैल्यू को या तो यहीं छोड़ दीजिए या रैशनलाइज करके इस वैल्यू में लिख लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं, तो मैंने इसे रैशनलाइज यहीं की यहीं कर लिया, तो ये √3 से हमने रैशनलाइज किया तो ये आ गया 100√3/√3 × √3 = 3। अब मैं ये सेकेंड इक्वेशन मान रही हूँ, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 100√3/3 इन इक्वेशन 1 में रखा, और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100√3, तो ये आ गया x प्लस वाई की जगह हमने लिख लिया 100√3/3 इक्वल्स टू 100√3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100√3 में से माइनस हो गया 100√3/3, तो LCM लिया हमने, LCM आया 3, तो ये आ गया 300√3 − 100√3, तो ये कितना आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई, देखिए दोनों √3 के हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो ये आ गया 200√3/3। अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 1.732, तो यही पुट कर देंगे, तो ये आ गया 200 × 1.732/3। अब देखिए पॉइंट हटाया तो 3 जीरोज लग गई, 2 जीरो ऑलरेडी कट हो गई, अब देखिए 1732 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, देखिए नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 30 से, तो मल्टीप्लाई करके आया 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 1s are 2 and 3/30, तो ये कितना आ गया, 31s are 30, 46, अगेन 31s are 30, 164 एंड 35 is 150, तो बच गया हमारा 140 हो गया, पॉइंट 140, 34 is 120, 20 बचा, 200 हो गया, तो 36 right, तो इतना मीटर आ गई, तो हमारी डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय शिप ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इज 115.46 मीटर इज द आंसर।